तिमाही नतीजों के मौसम में प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक का शेयर सोमवार को दमदार तेजी दिखाता दिखा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अपने शानदार नतीजों के दम पर शेयर में कारोबारी सत्र के दौरान करीब 9% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के तिमाही नतीजे आना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बैंक में 3% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। आपको पता है इन दोनों बैंक में एक कनेक्शन है जिसने इसके शेयर प्राइस को सोमवार को बूस्ट किया। यस बैंक के तिमाही नतीजे और यस बैंक से कैसे लगी SBI की लॉटरी, जाने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। सबसे पहले बात करते हैं यस बैंक के मार्च तिमाही नतीजों की। आंकड़ों के अनुसार बैंक के मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले तेज उछाल देखने को मिला है। यस बैंक का 31 मार्च की तिमाही के दौरान नेट प्रॉफिट 123% बढ़कर 452 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये मुनाफा 202 करोड़ रुपए था। इसके अलावा यस बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि NPA पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 2.2% से घटकर 1.7% हो गया है। तिमाही आधार पर नेट NPA 0.6% और साल दर साल आधार पर 0.80% कटौती हुई है। ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों ही दिसंबर तिमाही के मुकाबले सुधरे हैं। इसके साथ ही बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल के आधार पर 2% से ज्यादा बढ़े हैं। बैंक के कुल डिपॉजिट में 22.5% का उछाल आया है और ये बढ़कर 2.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बता दें सोमवार को दोपहर 2:30 बजे यस बैंक का शेयर 4.5% की बढ़त के साथ 27.35 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। यस बैंक के शेयरों ने भले ही बीते 5 साल में लगभग 85% का नेगेटिव रिटर्न दिया हो, लेकिन पिछले 1 साल से इसका शेयर लगातार अपने निवेशकों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। साल भर में शेयर ने निवेशकों को 71% का रिटर्न दिया है, जबकि 6 महीने में इसके शेयरों में निवेश करने वालों को 71% से ज्यादा का रिटर्न हासिल हुआ है। बीते 1 महीने में इसने 12% और 5 दिन में यस बैंक ने 6% तक का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं यस बैंक और SBI के कनेक्शन की। दरअसल जानकारी मिली है कि SBI को सरकार ने यस बैंक में हिस्सा बेचने की मंजूरी दे दी है। मार्च में लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है। बता दें SBI कंसोर्टियम में SBI के पास ही अकेले 26.13% हिस्सेदारी है। इस कंसोर्टियम में HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक भी शामिल है। ICICI बैंक के पास 3.43% और एक्सिस बैंक के पास 2.57% हिस्सेदारी है। यस बैंक में LIC के पास 4.34% हिस्सा है, बाकी हिस्सेदारी छोटे निवेशक और FII के पास है। खबर के अनुसार SBI को बैंक में हिस्सा बेचने को सरकार की मंजूरी मिल गई है। SBI अब अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है, हालांकि कितनी और कब और क्यों इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज के अनुसार बेन कैपिटल और सऊदी अरब का वेल्थ फंड हिस्सा खरीद सकता है। वहीं जापान के फंड भी यस बैंक में हिस्सा खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। SBI के यस बैंक में 10 रुपए पर खरीदे शेयर अब करीब 27 रुपए के पास पहुंच चुके हैं। ऐसे में इस बिक्री से SBI की लॉटरी लगने की पूरी संभावना है। सोमवार को SBI का शेयर 3% से ज्यादा उछला और ये 826 रुपए के करीब कारोबार कर रहा था। रिटर्न पर नजर डाले तो 5 साल में SBI में निवेशकों को 167% तक का रिटर्न मिला है और 1 साल में 44%, 6 महीने में 46%, 1 महीने में 9% और पिछले 5 दिनों में 8% का इसने मुनाफा कमा कर दिया है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।